नहीं दिया। जिस धरा के लिए देव तरसते रहे, अरे पापिनी उसी धरा को बना ही दिया। बड़े मार्मिक भाव में कवि यहां प्रसंग पेश किए हैं कि झांकिया दे कर अपनी संसत्ता सी चला, अरे आया 88 लेकर के खूनी लहरा, अरे 9 जनवरी निशा, अरे कितनी कातिल बनी जबकि सुल्तानपुर में ढाया कर। कलयुग महाराज को धन्यवाद देते हुए, कलिकाल के धन्यवाद देते हुए कि बेरहम बेवफा, बेरहम बेवफाए कली निर्दयी, तूने हलचल यहाँ में मचा ही दिया। जिस धरा के लिए देव तरसते रहे, पापी ने उस धरा को बना ही दिया। लेकिन हमार कहना बा गीत के माध्यम से कि मेरे कलयुग के, ए भैया अरे मेरे कलयुग के राही तू चलना संभल। अरे मेवानी न मालूम किधर जाएगी, हुस्न के ए भैया अरे हुस्न के तितलियों का भरोसा नहीं, अरे प्यार देकर कभी कतर चल जाएगी, मिर्जापुर के देहात में न रही नगरी, जिला मिर्जापुर के देहात में न रही नगरी, पहाड़ी रास्ता कुछ बस्ती है बिखरी बिखरी, सुखुमुखु चौरसिया का सच्चा प्यार बसा, दोनों भाइयों का छोटा सा परिवार बसा, मुखु असुखु का भैया खुमुखु चौरसिया जान जात का बराई, ये दो सगा भाई रहले तो भैया मुखु बड़ा रहले सुखु छोटा रहले, अरे धंधा पान का मुखु बिरन चलाता था, बड़का भैया पान का दुकान करे, धंधा पान का मुखु बिरन चलाता था, शहर मिर्जापुर में मस्ताना हो कहाता था, आ छोटका भाई सुखू डॉक्टर MBBS सुखू नौजवान रहा, शहर सुल्तानपुर में भाड़े का मकान रहा, बड़का भैया पान का दुकान करे मिर्जापुर जिला में, मिर्जापुर शहर में मस्ताना पान भंडार के नाम से ओकर दुकान प्रसिद्ध रहल, मशहूर रहल, आ छोटका भैया जौन सुखू रहले वो डॉक्टर रहले MBBS डॉक्टर सुल्तानपुर में, बाबूजी उनके नियुक्ति यानी पोस्टिंग भई रहल, आ दोनों भाइयन के बीच में मुखु और सुखु दोनों भाइयन के बीच में डॉक्टर साहब का एक लड़का रहल जौने का नाम रहल पिंटू, अरे दोनों भाई के बीच में पिंटू ललन, अरे सुन हकीकत कहानी कहर जाएगी, ता जाली में अंधी, अरे जाली में अंधी जवानी गजब कर दिया, सुन हकीकत कहानी कहर दी, भैया अभी एक महीना बीता था
डॉक्टर साहब का ट्रांसफर सुल्तान, हाँ डॉक्टर साहब का ट्रांसफर झांसी से सुल्तानपुर शहर में हुआ, और डॉक्टर साहब एक किराए का मकान लेकर सुल्तानपुर शहर में रहने लगे। उनके साथ उनका 9 साल का लड़का पिंटू भी रहने लगा। डॉक्टर साहब उसी जगह लड़के का एडमिशन करवा दिए, लड़का पढ़ने लगा डॉक्टर साहब के साथ रहकर। लेकिन इधर हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी वाला केस बड़ा जोर शोर से सुल्तानपुर में बहुजी फैला रहा। लेकिन नसबंदी केस में डॉक्टर साहब का ड्यूटी लगा देल गई। डॉक्टर साहब के यानी सुखू डॉक्टर साहब के ड्यूटी लगा देल गई। लेकिन सुल्तानपुर जब ड्यूटी लगल डॉक्टर साहब के तो भैल का कि लागला सहारिया में कैंप नसबंदी वाला डॉक्टर हो के जीप पे सवार। अरे आधी दूर पहुंचे मिली संगीता सवारिया हो, जीप लेकर डॉक्टर साहब नसबंदी कैंप की तरफ जा रहे थे। तब तक रास्ते में एक 20 वर्ष की मेड वाइफ जिसका नाम संगीता है मिल गई डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब पूछे कि संगीता कहाँ चलोगी। संगीता कही कि डॉक्टर साहब मुझे भी नसबंदी केस कैंप के अंदर चलना है, मेरे पास 5 केस है, इस केस को लेकर मुझे भी कैंप के अंदर चलना है। डॉक्टर साहब कहे कि देर क्यों कर रही हो, आओ बैठ जाओ जीप में। डॉक्टर साहब जब जीप में बैठा ले हले मेड वाइफ संगीता के, तो डॉक्टर साहब और संगीता से जब आंख में आंख मिलल तो जिगर में कुछ सूल उठे लगा। संगीता अपने क्वार्टर चली गई, लेकिन डॉक्टर साहब का चेहरा संगीता के कर्जवा में बेधत बा। संगीता मजबूर होकर अपने नौकरानी से एक लेटर लिखवा के डॉक्टर साहब के पजरे भेजलस कि ले जाई डॉक्टर साहब के हमारा लेटर दे दिया। अब नौकरानी मेड वाइफ संगीता का लेटर लेके जब डॉक्टर साहब के क्वार्टर के अंदर पहुंचल, लेटर डॉक्टर साहब के थमा के कहत बा, लेकिन तर्जवा बदल गई। तर्जवा वही बा कि रोवन नवा सीनावा में उठला, अरे तूफान नवा है बाबूजी, आधा जल जवानिया आधा जल में फलवा है बाबूजी, तरफ जवानिया आधा जल में फलवा है बाबूजी, तरफ जवानिया पले के संगीता वाली पतिया सवारिया पहुंची आधी रातिया डॉक्टर साहब के कोठारिया। अरे हथवा थमाई परा वाला है बाबूजी, तड़फे जवानिया आधा जल में डॉक्टर साहब लेटर को खोलकर जब पढ़ने लगे, डॉक्टर साहब कहे कि मैं क्या करूं, इस समय रात 11 बज रहा है, पिंटू घर में अकेला ही है, मैं क्या करूं। उसी वक्त नौकरानी आंख में आंसू भर के बोली कि डॉक्टर साहब अगर आप इस समय नहीं चलेंगे तो संगीता जी का तबीयत इतना नाजुक है, इतना तेज बुखार उन्हें है कि हो सकता है संगीता जी एक्सपायर भी कर सकती हैं, मर भी सकती हैं, इसलिए आप देर न करें जल्दी मेरे। अब डॉक्टर साहब अपन आला लेके कुछ दवा वा लेके चल लेला नौकरानी के साथ मेड वाइफ संगीता के घरे दवाई दे बदे। डॉक्टर साहब नारी पकड़ के चेक कर चाहते हुए, लेकिन रोग का कौन था ना मिलत बाय। तब डॉक्टर साहब आला लगाए के लगले चेक करे, आला लगाए के लगले चेक करे कि बुखार इतना तेज होके बाय बुखार के जरिए और कौन रोग तो ना फैले वाला बा। लेकिन तर्जवा बदल गई, तर्जवा वही बाय बलिया और छपरा के बीच वाला। अरे चली जवानिया मोरी, अरे माटी में
मिलावता सतावता। अरे सेजिया सोना बलमुआ तरसावता। लेकिन बाबूजी डॉक्टर साहब पूछत हुए कि रोगवा कवा नहीं अंग, अरे अंग तारा सावता हिलावता। अरे पीरा अंग अंग बाबूजी सतावता। संगीता का बाग जुस्सा ना मिलत बा। डॉक्टर साहब अरे आपन आला लेके पहले सीना के तरफ चेक कर लें। संगीता कहे कि डॉक्टर साहब समझ गए कि संगीता ये तुम्हारा रोग ऐसे ठीक नहीं होगा। मैं एक चीज भूल गया हूँ, ब्लड प्रेशर लग रहा तेरा बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन मैं लाऊंगा तब चेक करूंगा विधिवत। एक काम करना कि कल मेरे क्वार्टर पे 8 बजे रात को पहुंचाना और मैं वहां तुम्हारा ब्लड प्रेशर नापूंगा कि वास्तव में तुझे है क्या। मेड वाइफ संगीता अपन ब्लड प्रेशर नपवा बदे दूसरे दिन 8 बजे रात के डॉक्टर साहब के क्वार्टर पहुंच गई। बनाए चुनाए के वही सोचने की यार डॉक्टर साहब से ब्लड प्रेशर नपवाए हम जरूर कि लो बा की हाई तो कभी यहाँ तेरी के भाव देल। अरे जवानी गहरे पानी में डूबी छलका लगा जाम गुलशन में रात करानी। जवानी गहरे पानी संगीता जब डॉक्टर से क्वार्टर के अंदर पहुंचा ले तो करके सो रहो सिंगार ले जवानी के बहार। ए भैया पहुंची घायल गुला नार जान मार चुदरी। सिंगार कटा कह के चटकार चुनरी पहिर के जब संगीता क्वार्टर खोल के डॉक्टर साहब के अंदर कमरा में घुसल तो देखते गोदिया लगाया डॉक्टर हो सको गवाया। अरे लगा के संगीता ठीक समय पर आई, आज मैं ब्लड प्रेशर तुम्हारा नापूंगा जरूर। तो लखते गोदिया लगाया डॉक्टर हो सको गवाया। जबरी से जब पैसु लाया रसदार चुदरी जबकि लागा जंघा जोर मारे नी बुला ही लोर। उठे ही या पीर पोर रसदार चुदरी अरे आधी रात नियर आई दोनों सो सुध भुलाई भी न सार चुदरी। रोग पर वो तो बड़का ब्लड प्रेशर है भैया। सवेरा हो गया डॉक्टर साहब और संगीता क्वार्टर के अंदर दरवाजा अंदर से बंद करके दोनों सो गए हैं। लेकिन 9 साल वाला लड़का पिंटू डॉक्टर साहब के बगल वाले रूम में सुतल है। सोच गया कि पिताजी भोर में उठ जाते थे, आज कारण है कि पिताजी क्या कारण है कि आज पिताजी नहीं उठे। दरवाजा लगा पीटने सिकड़ी लगा खटखटाने लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आता है। तब पिंटू चिल्ला कर अपने बाबू को आवाज देता है। लेकिन बाबू जी पिंटू कहत बा कि बोला सुगा नवा हो। अरे बोला सुगा नवा हो। अरे खोला केवाड़िया बाबू भैले भोर। बोला सुगा नवा हो। बाबूजी आवाजिया सुन के अरे संगीता खो ली दरवाजा लहंगा चुनर बटोर हो रामा। अरे देख तो माता पिंटू कापे। अरे जियरा उठा कहिलो रा बोल।
घर खोला के वारिया बाबू भाई ले भोर जी। अब संगीता धोती उठावट कीचड़ पोतले कुछ काजर ओजर अगल बगल लगल हल दरवाजा खुलस। पिंटू दरवाजा खोलते ही संगीता को देखते अवाक हो गया, सोच गया कि संगीता तुम कैसे हैं। अरे हरमजादी मेरे कमरे के अंदर तुम यहाँ कैसे आ गई। संगीता कुछ बोलती नहीं है, चली जाती है। बाबूजी कमरा खोलकर बाहर निकल पड़ी। संगीता कहा, संगीता से पिंटू कहा कि यहाँ तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अगर किसी और दिन देखा तो हल्ला कर दूंगा, मैं शोर मचा दूंगा। लेकिन दूसरे दो तीन रोज बाद डॉक्टर साहब नसबंदी कैंप के अंदर पता देखकर डॉक्टर साहब से मुख मोड़ लेती है। डॉक्टर साहब कहें क्यों रे संगीता, अरे क्यों मुझसे मुख मोड़ लिया, नाराज मुझसे हो गई हो क्या। संगीता गलत की डॉक्टर बाबू का तो उसके बताई। अरे हमरे तुहरे मोहब्बत का काटा ये तुहार लड़का जो पिंटू बा वही बा, जब तक होके खत्म ना करवा, काटा के दूर ना करवा, तब ले हमार तुहार मोहब्बत ना हो सकत। संगीता गलत की डॉक्टर साहब हमरे और आपके मोहब्बत के बीच जौन बिचवा में तुहार लड़कवा पिंटू बा ई काटा बा, ई जड़वा के दूर कैदा, न रही बास न बाजी बासुरी, न रही है पिंटू न हमरे आपके मोहब्बत में काटा बने। डॉक्टर साहब सोच रहे संगीता सही कह। संगीता के जाल में फंस के डॉक्टर साहब उस रात अपने हाथ में चाकू ले लिया और जहां पर पिंटू सोया था उसके चरपाई के पास डॉक्टर पहुंच गया। डॉक्टर अपने बेटे पिंटू के चरपाई के पास पहुंच गया और जो चाकू रखा था निकाल कर पापी अपने बेटे पिंटू के सीने भोग दिया। अरे भोगते ही चाकू सीने के अंदर से खून का फुहारा निकला। लड़का बड़े जोर से चीख पड़ा, अरे बाबूजी क्या कर रहे हैं, मैं आपका कौन सा गुनाह किया कि आप यह इरादा बनाकर मेरे सीने के अंदर चाकू भोग दिया। अरे मैं आपका कौन सा गुनाह किया कि आप यह इरादा बनाकर मेरे सीने के अंदर चाकू भोग दिया। डॉक्टर जान मारने की नियत से अपने बेटे का दोनों हाथ पकड़ लिया है और चाकू खींच कर सीने से फिर दोबारा भोंकना चाहता है, लेकिन पिंटू छटपटा के उठना चाहता है, लेकिन डॉक्टर दबा देता है। उस समय पिंटू अपने बाबू डॉक्टर से कहता कि बाबूजी एक बात रखिएगा। क्या रखिएगा, मुझे आप मार डालिए इसका मुझे गम नहीं है, लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा। कहत बा पिंटू कि तड़फे धारा दिया अरे तू गाना के लासिया पे, अरे दिला में दिलावा में करिया अरे मनवा है बाबूजी घरवा से बड़का बाबू अरे माई के बोलाई लिया अरे टुआरा के मुहावा दिखाई दिया बाबूजी। बाबूजी हमारे मरले के बाद घरे से बड़का बाबू यानी जो भाई पाल का दुकान करता था मुखू उसे कहा लड़का पिंटू कि बड़का बाबू अब माता जी के बोला कि हमार मुंह दिखाए के सब क्रिया कर्म करिया। एक बात और करिया बाबूजी कि शर्ट पैंट छब्बीस अरे जनवरी के पहनाई दिया अरे ऊपर से कफनवा ओढ़ाई दिया बाबूजी। आखिरिया राजा अपने आखिरिया राजा अपने अरे पिंटू के निभाई दिया अरे गंगा जी में लसिया बहाई दिया बाबूजी।
बाबूजी, डॉक्टर एक बात ही नहीं सुना। चाकू जो ताना हुआ था दोबारा मारने के लिए, अरे अपने बेटे पिंटू के पेट के अंदर वो चाकू भोग दिया। अब पेट में चाकू भोग के चकुआ घी देहलत लादी बचौनी बाबूजी बाहर निकल पड़ा। अरे अपने बेटी की लाश मकान बनवाने के लिए बगल में बालू रखा हुआ था, उस बालू में अपने बेटे पिंटू की लाश को डॉक्टर छुपा दिया और घर पर टेलीग्राम दिया मिर्जापुर शहर में अपने बड़े भाई को कि भैया मालूम करना कि पिंटू ऋषि आकर कहीं भग गया है, पिंटू का यहाँ था नहीं लग रहा है। टेलीग्राम पाते ही बड़े भाई मुखू रोते बिलखते औरतों को लेकर सुल्तानपुर शहर में आए, डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर साहब से पूछे कि भैया डॉक्टर, अरे पिंटू को आप कुछ कह तो नहीं दिए? डॉक्टर कहा कि भैया मैं कुछ भी नहीं कहा। तब बड़े भाई सुखू मुखू कहे कि एक काम करना चाहिए डॉक्टर भैया, कि थाना में आप रपट लिखवाए हैं कि नहीं? डॉक्टर कहा कि भैया अरे पिंटू रिसिया कर गया है कहीं, गया होगा तो चार रोज में आ जाएगा, रपट क्यों लिखाना जा। लेकिन तब भाई के दिल में शंका होने लगा, कहा कि नहीं भैया कल सुबह चलकर हम लोग थाने में रिपोर्ट दर्ज जरूर करवाएंगे। तब तो डॉक्टर कांप गया कि बाप रे बाप, भैया तो सारा पोल ही खोल देंगे, भैया अगर रहे तो सारा पोल ही खोल देंगे। डॉक्टर पहुंचा रात में संगीता के पास, संगीता से कहा डॉक्टर साहब ने कि संगीता एक काम करो कि हमारे और तुम्हारे मोहब्बत का कांटा तो दूर हो गया, लेकिन उस कांटे को उजागर करने वाले मेरे बड़े भाई आ गए हैं, रिपोर्ट लिखवाने की बात करते हैं, चलो आज रात में एक काम करना है। संगीता को लेकर डॉक्टर साहब आता है घर पे, लेकिन जहां उसका भाई बड़ा सोया था मुखू, वहां डॉक्टर पहुंच के संगीता को साथ लेकर बाबूजी करता है क्या? आए अरे संगीता शंकर के बंदा, अरे कोठारिया आधी रातिया में, अरे मारा सीने वीरन के कटारिया आधी रातिया में, अरे संगीता को लेकर डॉक्टर रात में क्वार्टर बंद करके अपने बड़े भाई मुखू के सीने भी चाकू भोग दिया। अरे मची सोहर जुट गई भीड़, अरे जबरी तोड़े धरावा जावा हो, तड़प रहा मुखू की लाश कुछ मिले नहीं अंदा जावा हो, अरे तब तक पहुंची थाने पे, अरे खबर आया आधी रातिया में, अरे चले दरोगा साज संगल सकरिया आधी रातिया में, दरोगा जी थाने पे खबर पाते ही सिपाहियों को लेकर चल दिए मौके पे, यहाँ घायल मुखू के सीने में चाकू लगा हुआ है, घायल मुखू। दरोगा जी को देखते ही दरोगा जी से कहा कि दरोगा जी एक बात मेरी सुनते जाइए आप। दरोगा जी बड़े गौर से मुखू की बात सुनने के लिए उसके नजदीक आ गए। मुखू रोते रोते कहता है दरोगा जी से कि दरोगा जी सुने, अरे नाने कहा वाली रोई रोई, अरे मुखू बताओ, कहावालिया रोई रोई मुखो बतावे, अरे मिर्जापुर सहरिया बाबू हमारो परिवार, अरे हमारी उमरिया रहलिया ठसलिया के, अरे हमारी उमरिया रहलिया ठसलिया के, अरे गोदिया में रहलई है बिरना हमार। अरे दरोगा जी जब मेरी उम्र 8 साल की थी तो ये डॉक्टर भाई मेरे गोद में छोटा था, उस समय डॉक्टर की उम्र केवल 1 साल की थी, तो गोदिया में रह नहीं है वीरन हमारा, अरे टुअर आया नाथ के
अरे टुअरा अनाथ बना के माई बाबू, अरे छोड़ गईले बाबू संग, अरे छोड़ गईले माता संग बाबू संसारा, अरे घूमा घूमा भिखिया दुआरिया पर मंगली, और पढ़ लिखा डॉक्टर भैला वीरा न हमारा, अरे जौन हाथ वीरा ना का कैली दुलारावा, अरे जौन हाथ वीरा ना का कैली दुलारावा, अरे बदले में वीरन भोकला सीनावा कटार, और लेकिन एक शंका दरोगा बाबू दिलावा, तो लेकिन एक शंका दरोगा बाबू दिलावा, अरे पिंटू को छिपाया कहीं पापी बदकार। दरोगा जी मैं छोटा भाई सुखू को यानी डॉक्टर भैया को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, सोचा कि मेरा भाई डॉक्टर बन जाएगा तो हम लोग काम आएगा, लेकिन यही मेरा भाई छोटा डॉक्टर मेरे सिर में चाकू भोंक कर मुझे मारना चाहा, लेकिन पता नहीं ऐसा काम इसने क्यों किया। मुझे तो लग रहा है कि छोटे मुन्ने पिंटू को यह डॉक्टर और संगीता मेड वाइफ कहीं छुपाए हैं। दरोगा जी सारा पाते ही आपन हंटर हवा के अंदर घुमाउले, तबले संगीता सारा पोलवे खोल दे कि डॉक्टर साहब मुझे मारिए मत, मैं बता हाँ दरोगा साहब अरे मुझे मारिए मत, यह बगल में जो बालू रखा हुआ है इसे हटाया जाए, इसे में पिंटू की लाश है, डॉक्टर साहब छुपाए। जब संगीता सारा पोल खोल दिया, बालू को हटाया गया, उसमें से पिंटू की लाश निकली, जीभ बाहर निकल गई थी, आंख दोनों पथरा गई थी। अरे पिंटू के चेहरे को देखकर सभी लोग गमगीन हो जाते हैं, लेकिन मुखू कहता है कि दरोगा जी मेरी अंतिम ख्वाहिश है कि एक बार मेरे पिंटू को दिखा दीजिए। जब मुखू के सामने उस पिंटू की लाश को ले जाया गया, दरोगा जी ले गए लाश को दिखाए सामने, सीने में चाकू का चोट लगा हुआ है, लेकिन बड़ा भाई मुखू करता है क्या बाबूजी, अरे गोदिया में सुगना कै, अरे आल्हारा ठाठारी, अरे धरे पापी कला जुगवा बजर तोर चाकरी, इसलिए कहना हुआ कि ए, मेरे कलजू के राही तू चलना संभल ले, ए जवानी न मालूम किधर जाएगी, हुस्न के तितलियों का भरोसा नहीं, प्यार देकर कभी कत्ल कर जाएगी। घायल मुखू एक नजर परिवार के ऊपर डाला, और टपक पड़े दो बूंद नीर, हंसा तदिया बसेरा, अरे गम में रो बस वही लोगवा बजर तो चाकरी, गुरु बिहारी गुरपत्तु, गुरु बिहारी गुरपत्तु, कली पानी में आग लगा के छोड़ा, राम कहे छह बड़े पंचो कलजू का इसे लेखा, जवानी गहरे पानी में डूबी, यादों पर सिधरो धरती महारानी, जवानी गहरे पानी।